था उस वक्त, और बल्कि एक्टिंग भी मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन मैं जानबूझ के सीरियल्स नहीं करती थी, बहुत टाइम देना पड़ता था और मैं बहुत सीरियस थी अपने डांस के बारे में उस ज़माने में. मतलब मुझे लगता था कि एक्टिंग इज़ समथिंग जो कि मैं साइड पे इफ़ आई एम फ्री तब कर लूँगी, लेकिन डांस को ज़्यादा तरजीह उस वक्त मैं देती थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक जो मेरे जितना जिस हद तक मेरा शौक था वो पूरा हो गया. मैं इंडिया भी गई, वहाँ जाके मैंने स्पेशलाइजेशन की. अच्छा, वेरी गुड. फिर वापस आई एंड देन आई थिंक आई वाज डन. परफॉर्मेंसेस काफ़ी मैं कर चुकी थी पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची. लेकिन आपका दिल नहीं करता कोई इंस्टीट्यूट या इस तरह की कोई चीज़ खोले? सर्टनली आई फील, यू नो, एक्चुअली मोर देन इवन इंस्टीट्यूट, आई फील ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्कूल करिकुलम में आ जानी चाहिए. म्यूज़िक एंड डांस, इट शुड बी कंपल्सरी टिल अ सर्टेन एज. मतलब सेकेंडरी लेवल तक तो होनी चाहिए, एक घंटा चाहे थ्री टाइम्स अ वीक हो, क्योंकि बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी भी है. लर्निंग पता है, ये जो उम्र होती है जो आपकी टीनेज ईयर्स होते हैं, इवन इन योर ट्वेंटीज आप में बहुत एनर्जी होती है दैट टाइम एज अ यंग पर्सन. तो वो स्पोर्ट्स खेलना या इस किस्म की कोई एक्टिविटी के डांस या म्यूजिक जो आपको यू नो आपका जहन सिर्फ चैनलाइज कर दे कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी वहाँ पे हो जाए डाइवेस्ट, जो कि वेस्ट में होता है. यहाँ बहुत कम है ना, यहाँ कम है, यहाँ पे गलत राह पे निकल जाते हैं. एक जगह फिक्स हो गए, अब बच्चे आते हैं वो अपने लैपटॉप पे लग जाते हैं या गेम्स खेल रहे हैं. बिल्कुल भी वो स्पोर्ट्स में है ही नहीं, एक्टिव नहीं है बच्चों का दिमाग, बस सिर्फ उसी में. और फिर आपका जहन, जब आप देखें आप प्रॉपरली थकते नहीं है ना जब तक, तो एक तो आपको नींद अच्छी नहीं आती रात को, और आपका जहन वायर्ड होता है बिकॉज कहीं ना कहीं मेंटली तो आप थक चुके हैं क्योंकि आप स्कूल गए हैं या कॉलेज गए हैं या काम करते हैं आप जो भी, लेकिन आपकी फिजिकल एग्जर्शन नहीं हुई. बहुत जरूरी है, वो जरूरी है. जब तक वो नहीं होगा यू विल नॉट बी हेल्थी. फिर आप, आई डोंट नो इफ यू फील इट, मुझे होता है कई दफ़ा, जैसे जब मुझे वक्त नहीं मिलता जिम जाने का या हाँ, तो लगातार आप वायर्ड हो जाते हैं, मतलब हाँ. आप थक चुके होते हैं शूट से, लेकिन घर जाके आप यूं बैठे हुए होते हैं, नींद नहीं आ रही. अब आप दो तीन घंटे खाम खां टीवी देखते हैं माइंडलेसली फ्लिकिंग चैनल्स, और नींद नहीं आ रही, और अजीब सोचें फलाने ये क्यों कहा था, फलाने ये क्यों किया था. यू नो योर हार्ट टू, छोटी छोटी चीजें आपको चुभ रही होती हैं, जो कि अगर आप वैसे भी व्हेन यू स्वेट तो बड़े कुछ टॉक्सिंस कोई होते हैं वो निकल जाते हैं ना, आपकी नेगेटिविटी निकल जाती है, टेंशन रिलीव होती है डेफिनेटली. सो आई फील एट दैट एज खासतौर पर, फिर ये होता है आगे जाके जब आपके पास इस तरह से मौके आते हैं जब आप बहुत थक रहे होते हैं या बहुत स्ट्रेस होती है, एटलीस्ट यू नो कि अगर मैं ये करूंगा या करूंगी आई फील लाइक आई फील बेटर. तो आपको एक आदत, आपको एक प्रैक्टिस में वो चीज़ डाल देती है. बच्चों को जरूर डालनी चाहिए सर्टनली. तो आई फील शौक है कि कहीं जाके कुछ मैं डांसिंग इंस्टीट्यूट या इस तरह का कुछ करूँ? यार आई डोंट सी इट हैपनिंग, यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अल्लाह करे कि इंशाल्लाह मुझे मौका मिले कि मैं अगर किसी सतह पर हेल्प कर सकूं, फॉर श्योर आई वुड डू इट. वुमनहुड की आई वुड रेकमेंड द राइट पीपल फॉर श्योर. तो ये टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को टीचर बिल्कुल भी नहीं समझती, जाहिर बात है, बट जो हैं जो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं वो स्कूल्स में किसी तरह ये चीज़ इनकॉर्पोरेट हो जाए कॉलेज लेवल पे भी, इट वुड बी फैंटास्टिक. अच्छा, मैं आप दोनों से बल्कि एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे आप हमारा पार्ट, आई थिंक हम भी औरतों के लिए कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं कि चलो मैं जैसे बैठी हूँ या एक्टिंग भी करते हैं, कुछ ना कुछ उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपनी एक्टिंग से भी, कैरेक्टर से भी, कि लाइफ में अगर ऐसा होगा ये कोई, लेकिन एक्सेप्ट के इसको साइड पर कर लें एक्टिंग को, कि क्या औरत के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारे जो पाकिस्तान की इस माशरे की औरत है उसके लिए हम क्या डिफरेंस पैदा कर सकते हैं या क्या चीज़ कर सकते हैं उसके लिए? आप मेरे दिल में ऐसी कुछ चीज़ हो, पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते जब तक वो खुद ना चाहे औरत करना. यू नो, हम सिर्फ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं जो हमें अपनी एक्टिंग में कर रहे होते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि जो जड़ें हमारी ख़राब हुई हैं ना, जो हमारी बेसिक ख़राब हुई है, वो हमारी औरतों की वजह से हुई है. इट्स नॉट दैट कि वो बुरी हैं, मगर कुछ चीज़ें सदियों से चल रही हैं और चले चली जा रही हैं ना, वो आई थिंक बिठा दिया गया है कि अगर एक लड़की को डिवोर्स होती है खुदा ना खास्ता, तो वो पहली चीज़ ये होती है अब तुमसे कौन शादी करेगा. जबकि हमारे मजहब में इसमें कोई इशू नहीं है ही नहीं, ये टैबू सब्जेक्ट नहीं है. पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिवोर्स कहा कि करो, और लेकिन नापसंदीदा अमल है. लेकिन अगर आप पे जुल्म हो रहा है या आप ना खुश हैं, जुल्म भी नहीं है, निकल जाए निकले बिल्कुल. इस्लाम में ये नहीं है कि आप अनहैप्पी रहे, इस्लाम में है कि आप हैप्पी बिताल बना दिया है ना. और दूसरा, हमारे यहाँ औरतें ना बहुत बंद हैं, खुदा ना खास्ता कल को शौहर मर जाए या घर पे सरबरा ना हो कमाने वाला, तो हमारी औरत के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं कि वो उठ के बाहर चली जाए. और कोई टैलेंट नहीं, टैलेंट नहीं, सीखा नहीं कुछ, क्यों नहीं है? मैं इस चीज को ना बहुत मुझे बुरा लगता है. अर्बन में, अर्बन सेंटर्स में डोंट यू फील के फर्क पड़ा है? लाइक कराची में खास तौर पे आप काफी औरतों को देखते हैं, आप सड़कों पे देखते हैं, आप बसेस में देखते हैं. आई टेल यू, मैं जहां आई वुड लाइक टू रियली मेक अ डिफरेंस इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट फॉर वुमेन, सेपरेट फॉर, या तो सेपरेट कर दें, क्योंकि अगर नहीं बाज आना मर्दों ने तो बस
मिट्टी पाओ जी, अपनी अपनी बस चलाओ, उसमें वो ड्राइवर भी औरत हो, कंडक्टर भी औरत हो, यू सो राइट, बिकॉज़ ये चीज एक ऐसी है जो बहुत अनकंफर्टेबल है. अच्छा, ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, बिकॉज़ औरत जैसे ही घर से बाहर निकलती है और वो बस स्टॉप पे जहाँ खड़ी होती है, अब वहाँ से उसकी वो टेंशन शुरू हो जाती है. फिर वो एक क्राउडेड बस में घुसना, और जहाँ आपको पता है आपको धक्के लगेंगे और बदतमीजी होगी, जो कि होती है. और जब आप बस की बात करी, मैं प्लेन में आप जा रहे होते हैं तो आपको लोग कैसे देख रहे हैं, कमेंट दे रहे होंगे. मैं अभी आ रही थी फ्लाइट में, तो मेरे आगे कोई बैठे हुए थे दो साहब, अब वो मुसलसल मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं. अब उन्होंने देखा मेरे साथ खातून थी, आंटी दो बैठी थी, उन्होंने देखा कि ये तो पहले वो मेरे साथ सीट थी, मैंने चेंज करा ली. फिर उन्होंने कहा कि अब ये क्या तरीका है कि मैं देखूं कैसे. उन्होंने मुड़ के ना प्रॉपर मुड़ के आंटी से बातें करनी शुरू कर दी. थोड़ी देर मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा अगर अब इसने मुड़ के देखा ना, मैंने उसको बुलाना है, मैंने कहना है उनको प्रॉब्लम क्या है या मेरी सीट चेंज कर दी. यू नो इट्स सो, वो आपके लिए एक अजीब डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर देते हैं. और ये मर्द ही है जो करते हैं, और फिर यही मर्द कहते हैं कि देखो बाहर जमाना खराब है, बाहर मत जाना. कोई भी ऐसा आपको मार रहा है खुद ही ठीक हो जाए तो यू नो क्या कोई हर्ज नहीं है. बट सर्टेनली आई फील एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है, एंड आई वुड लाइक टू फिक्स दैट. कोई उठना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा. कितनी आप मजेदार तीनों ने शेयर, दोनों ने शेयर किए. मैं पर्सनली जो औरत के लिए करना चाहूंगी, वो ऐसी हेल्पलाइन करना चाहूंगी कि जहाँ किसी को प्रॉब्लम हो वो डायल करे, डायल करे और वो चेक करके पहुंचे, फौरन वहीं से फौरन पहुंचे एकदम से, चाहे वो जो ब्लैक कैट टाइप का ड्रेस पहना हो आपने, आपकी पूरी टीम. जहाँ भी किसी औरत को प्रॉब्लम हो, फौरन कोई मार रहा है या कोई बदतमीज कर रहा है, फौरन एक फोर्स हो जो पहुंच जाए वहाँ पे. आप देखिए ना, जितने अरब ममालिक हैं वहाँ पर ये चीजें नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि फौरन कोई आएगा शुरता या जो भी, आप नहीं तंग कर सकते, आप यू नो नहीं कर व्हाटएवर. तो दो दफा जैसे हमारे यहाँ चाइल्ड मिलिस्टर्स हैं, ये कितनी अजीब सी चीज़ है, जेल में डाल देते हैं किसी को, क्या पता. मैं कहती हूँ दो दफ़ा सड़क पे खड़े होकर पत्थर मारे ना और मार दें पेट्रोल. सीरियसली बता रही हूँ, आइंदा कोई नहीं करेगा. अरब में क्या मार भी चुकी है ना, ये तो मार भी चुकी है, इसलिए आप एक्सट्रीम दे रहे हैं. एनीवेज अब जरा लाइटर मोड पे आ जाते हैं, डिस्कशन बड़ी सीरियस होती जा रही है. औरतों को अगर आप टच करें ना तो फिर बड़ा सीरियस होने की बात. अच्छा जवेरिया, हमने आपकी सेंस ऑफ स्मेल चेक की थी, अब हम आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करते हैं. आपने एक अच्छा सा लतीफा सुनाना है. ओह प्लीज यार, मैं बहुत मुझे बड़े जोक्स नहीं है, आपने मुझे नहीं पता, मुझे जो आते हैं मुझे याद ही नहीं रहते हैं. गंदी जोक, बस वो जब जोक आता है वो मैं आपको एक कोई कोई तो याद होगा कोई जोक. नहीं नहीं, और वो ऐसे जोक नहीं है टीवी पे, दैट वाज अ जोक इटसेल्फ, कोई भी नहीं. अर्जुन, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो अ वेरी बैड जोक टेलर. मैं वो जो यू नो पंच लाइन पहले बता गया उसके क्या नहीं, एक मिनट ऐसे हुआ था, हां यू नो आई विल रुइन इट. आप खुद ही हंस रहे होंगे. हां, कोई और नहीं हंस रहा होगा. आप जोक सुना देना प्लीज. हाँ मैं सुनाऊँ? नहीं यार, मेरी वही अर्जुमन वाली कहानी है मेरी, तो पंच लाइन पहले आ जाती है और टूट फूट के और मैं खुद ही हंस रही होती हूँ. सब कहते हैं अच्छा हंसना था या एक दफा सुनाया भी था ऐसे. अर्जुमन आप टॉम बॉयज थी बचपन में बहुत ज्यादा, तो कभी कोई मारा मुरा लड़कों को? इन्होंने तो बहुत मारे, बूम वाले को मार दिया और किसी को गेंद के थप्पड़ मार दिया. नहीं मैंने कभी नहीं, बल्कि इस ड्रामे में मुझे मैंने पहली दफा एक सीन था जिसमें मुझे मारना है किसी को. हाँ. और मेरे हाथ कांप रहे थे, मैंने कभी पहले नहीं. हाँ. और यू नो हमने हमेशा जब पहले किया है, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन थी बहुत, मुझे यू नो आई फेल्ट रिलीज्ड, आई फेल्ट लिबरेटेड कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ. बिकॉज आई जनरली हम ड्रामों में जब करते हैं तो वो चीट ही करते हैं ना, कि कैमरा एंगल आवाज आती है, साउंड इफेक्ट डाल देते हैं, तो आई थॉट वैसे ही करेंगे. फिर पता नहीं क्या वजह थी कि उन्होंने कहा नहीं ये आपको करना पड़ेगा. यार ये बड़ी बदतमीजी की भी बात है, यू नो को एक्टर को आप उठा के यू नो आगे उसने मुझे कुछ कर दिया, फिर नहीं 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 कुछ नहीं होगा. वो तीन चार एंगल से शूट हुआ, चार दफा तो थप्पड़ मारा था. हाँ, वो है और मुझे डायरेक्टर बता रहे थे क्या आवाज, मेल फीमेल है, मेल है बेचारा, अभी मेल है बेचारा जिसको मारा है, याद कर रहा होगा इतने थप्पड़ पड़े मुझे. नहीं उसकी अच्छी खासी आवाज आई थी, बिकॉज एंड आई डिड इट एंड आई रिमेंबर आई वेंट इनटू शॉक. जो आवाज आई ना, बाकी वो समीना अहमद और एंजेलिन भी बैठी हुई थी, वो भी कुछ यूँ हो गई ना, एक मिनट के लिए साइलेंस है, मुझे डायरेक्टर बताया था, उसके बाद बस एक आवाज़ आ रही है I'm sorry. वो कह रहे नहीं नहीं it's fine, मैं ठीक हूँ. But you had fun, you know, you got liberated. I got liberated. बड़ा मजा आया, मैंने कहा अच्छा ये सेटिस्फेक्शन मिलती है. अच्छा कभी खाया भी है थप्पड़ या नहीं? नहीं, शुक्र है. नहीं, in the sense कि शूटिंग के ऊपर कभी कोई ऐसा नहीं. नहीं कभी भी नहीं, हमेशा चीट ही हुआ है फॉर कैमरा. मैंने तो खैर मुझे एक दफा अपने याद है, मुझे एक सीन था मेरा बबरिक के साथ ना, हम लोग फिल्म के वो आर्टिस्ट है तो हमारे फिल्म में इफेक्ट आता है टिश का. हाँ. तो मैं बड़ा ड्रामा बोलना उसको, ये बोल बोल के उसको मैं कहती हूँ कुछ कह के एकदम से मैंने उसको थप्पड़ मारना था और साउंड इफेक्ट भी साथ दिया.
Everybody started laughing on the set. मैंने गोलियां चलाते हुए किया है. मुझे मेरा एक सीन था जिसमें पिस्तौल है और मुझे चलानी है, तो मैं कह रही हूँ टिशू टिशू. डायरेक्टर स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, साउंड इफेक्ट मैं डालूंगा. थैंक यू सो मच जी. टाइम एकदम देखिए हंसते हंसते भी वक्त इतनी जल्दी खत्म हो गया. आप बहुत शुक्रिया अर्जुन, मैंने थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. जवेरिया आपको तो डबल थैंक, आप मेरी दोस्त भी हैं, मेरी बहन भी हैं. मैं दोस्त नहीं हूँ, ये क्या बात हुई यार. अब आप दोस्त बन गए ना, मैं बन गई दोस्त. आप दोस्त भी हैं, गेस्ट भी हैं, यू आर अ सीनियर एक्ट्रेस एज वेल, बट ये तो जरा पुरानी दोस्त है ना हमारी, तो दोस्ती जरा पुरानी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स ऑलवेज लवली हैविंग यू ऑन माय शो. वैसे तो हम गप्पे लगाते रहते हैं, लेकिन आपका आना हमारे सेट पे बहुत अच्छा, क्योंकि आपसे मुलाकात यही हो सकती है. और अर्जुन आपका आखिरी बारिश अल्लाह करे बहुत सक्सेसफुल. कितनी गिरे बाकी हैं वो भी उसमें भी आ पा रही है. well, उसमें एक प्ले में इंशाल्लाह, उसमें भी मैंने आपको देखा तो बड़ा अच्छी आप लग रही हैं. इसी तरह से खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देती रहे हमें हम, ताकि इंटरटेन होते रहे. थैंक यू सो मच बोथ द लेडीज. जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये खवातीनों के तीन औरतों की तीन कहानियों का शो मज़ेदार लगा होगा. आपको एक बार फिर बता दूं, अगर मोहब्बत में धोखा खा कर दोबारा मोहब्बत हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हमारा आज का सवाल है, जिसमें हम आपको तीन ज़ीबोलॉन के जोड़े देंगे. और शाम 5 बजे तक आप SMS कीजिए, जिसका जवाब बेस्ट लगेगा उनको हम देंगे लॉन के जोड़े. आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू सेलिब्रिटीज़ विद न्यू शो. अल्लाह हाफ़िज़.